हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड SIP से जुड़ी एक NAV के बारे में, जो कि NAV के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर NAV क्या होती है। और फिर भी आपको नहीं पता है तो फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि NAV की फुल फॉर्म होती है नेट एसेट वैल्यू, और NAV एक यूनिट समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड की, क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कुछ पैसे को ऐड किया जाता है और उसी पैसे से 10 रुपए के हिसाब से NAV बना दी जाती है। तो आप उसे NAV भी बोल सकते हैं या फिर उस म्यूचुअल फंड की यूनिट भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई कि आखिर NAV क्या होती है। इसी के साथ में हम ये बात कैसे पता कर सकते हैं कि जो आज हमारी NAV जैसे कि 20 है या फिर 25 है, पर वो कल NAV बढ़ेगी या फिर घटेगी। इसी के साथ में और भी जैसे कि इस सप्ताह बढ़ने के चांसेस कितने हैं या फिर घटने के चांसेस कितने हैं, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर SIP में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की साबित होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर ग्रो ऐप, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आखिर आप कौन से म्यूचुअल फंड की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, मैं ज़्यादातर कॉन्ट्रा फंडों में यहाँ पर पैसों का निवेश करता हूँ, क्योंकि वो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छे देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये तीन ही कॉन्ट्रा फंड हैं जो कि यहाँ पर अपने पैसों को निवेश करके और आप एक यहाँ पर अधिक प्रॉफिट ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोटका इंडिया इक्वी कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। इसी के साथ में SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेक्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट और ग्रोथ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस समय जो कि मैंने इसमें पैसा निवेश किया था और उसके बाद में जब NAV गिर रही थी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता था कि जो NAV है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है, ठीक है। तो उसी समय मैंने यहाँ पर पैसों को निवेश कर दिया और उसके बाद में जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 से 3 दिन ही पहले किया और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये प्रॉफिट तुरंत ही देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि NAV है वो गिरने वाली है या फिर उठने वाली है। पर लंबे समय की तो हम जानकारी नहीं रख सकते हैं, पता नहीं कि 8-10 दिन बाद क्या हो, उसकी NAV क्या हो। पर अगर हम पैसे को निवेश कर रहे हैं या फिर विड्रॉल कर रहे हैं तो तब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर आज जैसे आज हम पैसे को इसमें निवेश करना चाहते हैं तो उसकी NAV कल गिर जाएगी, ठीक है, या फिर उठ जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब पता होने के लिए आपको स्टॉक की थोड़ी बहुत तो जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसे को निवेश करते हैं और जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो हमारे पैसे को स्टॉक यानी कि अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए स्टॉक के बारे में। इसी के साथ में और आप स्टॉक आपको क्या बता सकता है, जैसे कि मैं स्टॉक पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो NAV है वो यानी कि NAV नहीं, यहाँ पर जो इसका ग्राफ है वो यहाँ पर अभी डाउन जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी का जो ग्राफ है वो यहाँ पर अभी डाउन जा रहा है, ठीक है। मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैंने इस पर सिंपली क्लिक किया और यहाँ पर ये निफ्टी का जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको मोबाइल पर भी दिखा सकता था, पर मोबाइल पर इतनी अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर माइनस में चल रहा है, ये भी माइनस में चल रहा है, यानी कि सारी जगह यहाँ पर रेड रेड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें कहीं पर भी आपको ग्रीन कलर देखने को नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब है सारी जगह ही आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर मैं और दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, यहाँ से मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ सेंसेक्स पर, इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। इस पर भी सिंपली क्लिक करने के बाद अब इसमें देख पा रहे हैं जैसे कि 1, 2, 3 कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पर अभी प्रॉफिट में दिखा रही हैं, ठीक है, तीन जगह।
और बाकी की ये चार जगह हैं यहाँ पर ये अभी लॉस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको रेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो एनएबी है, अगर इतने पर ही जो शेयर बाजार है वो रुक जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि शेयर बाजार है वो 4 बजे यहाँ पर बंद हो जाता है और सुबह 10 बजे यहाँ पर चालू हो जाता है, ठीक है। तो जो एनएबी है वो शाम को ही कैलकुलेट होके जुड़ती है, ठीक है। अब हम पैसे को अगर अभी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यार आज की एनएबी इतनी है, ठीक है, और कल की एनएबी की हमें पता नहीं है। तो कल की जो एनएबी है वो आप यहीं से ही समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ पर जो शेयर बाजार है वो गिर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हमारी एनएबी है शाम को कैलकुलेट होगी और सुबह हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हमारे म्यूचुअल फंड में, ठीक है, कि जो इसकी एनएबी है वो इतनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कल की एनएबी है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो कहने का मतलब है हमें इसमें ज़्यादा रेड रेड देखने को मिल रहा है कि हमारी जो एनएबी है वो यहाँ पर गिरने वाली है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपकी एनएबी बढ़ेगी तो आपको यहाँ पर भी सब कुछ ग्रीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी कंपनियाँ हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी, ये सब आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारी एनएबी बढ़ने वाली है। अब ऐसे में एनएबी बढ़ने वाली है तो क्या हम म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश करें कि ना करें? अगर आप सोच रहे हैं कि लंबे समय के लिए अगर पैसा निवेश कर रहे हैं तो आप किसी भी समय कर दें, ठीक है, क्योंकि लंबे समय का मतलब ये होता है कि आपको कुछ समय के लिए उसमें पैसों को रोकना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा कामयाब है जो कि जल्दी से ही पैसे को अपना डालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में और उसके बाद में निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को देखकर यहाँ पर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि जो एनएबी है वो गिर रही है, ठीक है, यानी कि एनएबी डाउन जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पैसों को निवेश कर देंगे। अब भाई हमारा पैसा ऐसा तो है नहीं कि हमने अभी इसमें पैसों को निवेश किया और इसी के साथ में हमारा पैसा अभी इसमें लग जाएगा और हमारे डैशबोर्ड में दिखने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पर 4 दिन तक का वहाँ पर टाइम लग सकता है, ये कहते हैं म्यूचुअल फंड की जो पॉलिसी है वो कहती है ये, ठीक है। तो हालांकि जो आपका पैसा है वो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप इसमें पैसे को निवेश कर देते हैं और जो एनएबी आज है, ठीक है, वो बढ़ी हुई है और कल जो एनएबी होगी वो गिर जाएगी, तो कहने का मतलब आज पैसे को निवेश करते हैं तो आपको डाउन वाली एनएबी आपको मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप कम पैसों में भी अधिक बड़ी यानी कि ज़्यादा एनएबी खरीद सकते हैं। और यहीं से ही अगर आपको ये ग्रीन ग्रीन होता सब कुछ, ठीक है, तो अगर आप पैसे को विड्रॉल करना चाहते तो आज भाई रिक्वेस्ट डालते और उसके बाद में जो पैसा आता तो ठीक है, वो अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद आपको पैसा मिलता तो उम्मीद रख सकते हैं कि आपको बढ़कर पैसा मिलता, ठीक है, क्योंकि एनएबी है आज सस्ती है, कल को एनएबी बढ़ने वाली है, तो जो बढ़ेगी एनएबी तो उसी हिसाब से तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ की भी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक दिन की ये क्लियर 1 दिन की है, ठीक है। अब यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए जैसे कि लंबे समय के लिए, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो कैसी है, यानी कि अच्छी चल रही है या फिर गिर रही है, तो ये चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। जो कि आप जानते हैं कि अमेरिका में आज इलेक्शन चल रहा है और वहाँ पर अब जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर बदल चुके हैं, ठीक है। तो जो देश की इकोनॉमी की बात कर लेते हैं तो इकोनॉमी तभी हमारी अच्छी होती है जब हमारे ताल्लुकात दूसरे देशों से अच्छे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर जो कल एनएबी है वो क्या होने वाली है और किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।